देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की के रामनगर स्थित एक होटल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में होटल मैनेजमेंट ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर अग्निशमन की गाड़ी ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अचानक लगी इस आग का कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि होटल भाजपा के किसी नेता का है, फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। वहीं होटल स्वामी का कहना है कि अभी वो तो आग बुझने के बाद थोड़ा पता लगेगा, बाकी जान माल का किसी रूम का किसी का कोई किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं। रेली गाड़ी आ गई थी। हाँ, टाइम पे पहुँच गई थी फायर की गाड़ी और पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई थी। सब ने पूरा सहयोग किया, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग किया। आग पर पूर्ण रूप से काबू पा रही है। रोड में कहीं स्पार्किंग हुई है शॉर्ट सर्किट, तो कोई जान माल नुकसान नुकसान तो कह रहे हो, वायर वगैरह अंदर से जब कोई आग लगती है तो नुकसान नेचुरल हो जाता है, लेकिन कोई जना नहीं है। सर ये जो यहाँ पे अंदर फायर की सुविधा है लगी हुई है, तो उससे क्या कहेंगे कितनी दूरी पर थी वो लगभग, ताकि इनके इनके यंत्र नहीं पहुँच पाए। वो तो ऐसा है ना कि फायर की उपकरण यूज़ किए इन्होंने, लेकिन वो फर्स्ट एड के रूप में होते हैं, जब थोड़ी आग फैल जाती है उसकी गाड़ी से ही कंट्रोल होता है। लाइट कटने के कारण जो है सिस्टम चल नहीं पाता। कारण क्या रहा आग लगने का? संभवतः चिमनी में।